इस एसी को आज एक हफ्ता से कस्टमर जो है ला करके घर में रखे हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई मैकेनिक नहीं आया था इंस्टॉल करने के लिए, आया और वो अलग ही लेवल का जो है पट्टी पर आ रहा था कस्टमर को। कस्टमर होशियार कह रहा था कि हम बिना वैक्यूम किए इंस्टॉल नहीं करने देंगे एसी को। अब मैकेनिक साहब कह रहा है नया एसी में कौन वैक्यूम कराता है, सर नया एसी में वैक्यूम पैक्यूम नहीं होता है, पाइप जब ज्वाइंट होता है तब होता है। जा रे काबिल के नाती, अरे कम से कम ट्रेनिंग में जाते ना तब पता चलता कि वैक्यूम क्यों जरूरी है एसी के अंदर। इसी रूम के अंदर जो इस एसी को इंस्टॉल करना है, रूम का साइज तो छोटा है लेकिन ये टॉप फ्लोर होने की वजह से कस्टमर जो निर्णय लिया है बहुत ही बढ़िया लिया है, 1.5 टन का एसी लेकर के इसी दीवार पर जो इंस्टॉल करेंगे एसी को और बैक टू बैक जो आउटडोर यूनिट यहां पर लग जाएगा। ठीक है, जगह तो एकदम फिक्स और नियमित है कि यहीं पर एसी लगेगा। हमको तो बोल रहे थे कि ऊपर वेंटिलेटर से निकाल दीजिए पाइप, लेकिन हम बोले कि लुक खराब हो जाएगा और प्लस ऊपर से सही भी नहीं होगा। वाटर लेवल के साथ एकदम लेवल में जो है मार्किंग कर रहे हैं प्लेट का। प्लेट तो हो गया एकदम परफेक्ट तरीके से इंस्टॉल, बस जस्ट साइड में यहां पर जो बैक टू बैक छेद करेंगे पाइप निकालने के लिए। चलिए भैया इंडोर यूनिट तो लटका दिए बढ़िया परफेक्ट तरीके से एकदम लेवल में, बाकी ये स्टैंड भी कस कुस के एकदम फिट किए हुए हैं। कस्टमर ये स्टैंड ला करके दिया है, पता नहीं बेकार वाला कहां से उठा के लेके चला है। दोनों स्टैंड जो है कसकुस के एकदम फिट कर दिए हैं, अब रह गया आउटडोर यूनिट चढ़ाना, तो आउटडोर यूनिट को भी ऊपर ला करके रख लिए हैं। चलिए अब फटाफट चढ़ाते हैं। आउटडोर के लेग में ये रबर वाला लगाना जरूरी है भैया, अल्लाह कम करेगा। स्टैंड के साथ जो ये नट वाल्टू मिला है ये साला छोटा पड़ा है, रबर लगाने के बाद जो है लग ही नहीं रहा, छोटा पड़ जा रहा है, इसीलिए ना बोले थे ये सस्ता वाला माल उठा के ले आया, पसंद नहीं पड़ा। जब तक गए भैया मार्केट से नट वाल्टू लेने के लिए तब तक हम ये स्टेबलाइजर जो है फिट कर लेते। कर दिए स्टेबलाइजर भी फिट एकदम बढ़िया तरीका से, देखिए अब क्या लुक लग रहा है दिखने में। तब तक मार्केट से भैया ये वाल्टू भी ला करके दे दिए, थोड़ा बड़ा साइज में है ये बढ़िया से लग जाएगा। अब इस पाइप को जो कसने के लिए पहले तो हम इसके अंदर स्प्रिंग घुसा लेते हैं ताकि कहीं भी पंच ना हो मोड़ने में। सब पाइप को घुड़िया के यहीं लपेट दिए, बढ़िया से कस दिए। ठीक है, थोड़ा नीचे से अब ऐसा लग रहा है दिखने में। अब करेंगे इंस्टॉलेशन का लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट काम, यानी इनका वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम होते हुए लगभग 10 से 15 मिनट हो चुका है और सबसे पहले हम इसका बल्ब बंद कर रहे हैं मीटर वाला, उसके बाद जो ये हम मशीन बंद किए। 4 नंबर एलंके से सबसे पहले हम डिस्चार्ज वाला बल्ब जो खोल रहे हैं, तो धीरे धीरे कांटा बढ़ रहा है, अब हम फटाक से जो इसका मीटर वाला लाइन खोल लेंगे। खुल गया, अब हम इनका सक्शन वाला बल्ब भी जो खोल रहे हैं। हो गया एकदम परफेक्ट तरीके से आउटडोर यूनिट भी इंस्टॉल। अब हम एसी को जो है हाई कूल पर चला दिए, एकदम ठंडा ठंडा चिल्ड हवा जो है फेंक रहा है। कस्टमर तो मन में एकदम मुस्की मार रहा है, वाह।